राज किचन रेसिपी बनाएंगे। आपको लग रहा होगा ये क्या है, जब भी कोई सब्जी समझ में नहीं आए, गर्मी पड़ रही है तो समझ में नहीं आता क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, और ये बनाए, ये है मूंग दाल धुली हुई पीली वाली, ये बनाए। इसकी इतनी मस्त सब्जी बनती है कि जब भी आपको कोई सब्जी पसंद ना आए, समझ में नहीं आए, तो आप ये बनाए, उंगलियां नहीं प्लेट चाट चाट के घर वाले खाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे 12 घंटे के लिए भिगो के रखा था मूंग दाल को। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये साफ पानी ले लेना और इसको इसमें से निकालना है। देखिए इस तरीके से, क्या बात है, क्या सुंदर लग रही है। यहाँ डाल देना है, ये ले लिया, क्योंकि बिना धोए हमने इसे भिगोया था, ये पानी भी गंदा होने वाला है। अरे दाल तो आपको बता ही नहीं, तो मैंने 200 ग्राम दाल ली थी, 200 ग्राम दाल 12 घंटे पहले भिगो दी थी। क्या बात है, शाबाश। ये वाली भी निकाल लेता हूं मैं, एक मिनट रुको आप, क्या देखिए सारी खाली कर दी, रगड़ लेते हैं। देखिए वापस पानी कितना गंदा हो गया दोस्तों, और भाई साहब क्या गंदा पानी हो गया। ये देखिए, आपको क्या लगता है एक बार और धोएं? बिल्कुल जी, एक बार और धोना पड़ेगा। ये लीजिए फिर पानी, और ये फिर दाल इसमें, मजा जब ही आएगा। आए हाय हाय, क्या देखिए पानी में क्या रंगत आई है दाल की। आए हाय हाय, चलिए बाकी तो चलनी में ही निकालनी पड़ेगी। और ये दाल वाला पानी सिंक में नहीं डालें, बाहर डाल दें जाके कहीं पे भी, वरना ये क्या करेगा, ये आपके ना सिंक में, और आपको ऐसा लगेगा कुछ सड़ रहा है। और अगर पानी डाले तो उसके बाद पानी चला दे, वो एक स्मेल मारती है दाल। ये लीजिए, वो हो गया हमारा काम। ये लीजिए, ये दाल तैयार है, एकदम धुली हुई साफ सुथरी दाल। अब क्या करेंगे, इसको मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेंगे। चलिए मैं पेस्ट बना लेता हूं, हल्का सा दरदरा बनाना है, बिल्कुल एकदम पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा, बिल्कुल मामूली। ये देखिए दोस्तों, दाल हमारी पिस गई है, हमने पीसी है छोटी वाली मिक्सी में, दो बार में हमारी दाल पिस गई है। अब ये पानी, ये फेंकना नहीं है, ये जो दाल है इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको करेंगे साफ, और एक सेकंड इसमें नहीं डालना है इसको, इसको पहले साफ कर लेते हैं अच्छे से। क्या बात है, इसको किस में डालेंगे तो वेट करें, और एक सामग्री डालेंगे लास्ट में जो मज़ेदार, क्या शानदार स्वाद और फ्लेवर बढ़ा देगी, सोच भी नहीं सकते हो आप। क्या बात है, ये ली, ये साफ हो गया है जार। अब ये जो इसका पानी है इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए अच्छे से हो गई ये साफ, तो बिगाड़े का कोई काम नहीं है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं करने का। ये देखिए, अब इससे होगा क्या ये बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। चलिए अब बता देते आपको क्या क्या सामग्री डालने वाली है मस्त मसालेदार बनाने के लिए, और एक सामग्री डालेंगे लास्ट में। दाल पिस गई है, सामग्री इतनी सारी चाहिए मजेदार बनाने के लिए। तो यहाँ चाहिए हमें 3 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई, 4 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 2 से 3 तेज पत्ते, 4-5 काली मिर्ची, 2 लौंग, 1 छोटा चम्मच हींग पाउडर, 3 मीडियम साइज के टमाटर बीज और छिलका निकालकर पेस्ट बना लिया है, और यहाँ पर चाहिए अदरक और लहसुन काफ़ी सारा कुटावा। ये देखिए आयरन के स्रोत में कुटावा लहसुन चाहिए। यहाँ पर हमने ली थी लहसुन की कलियाँ, कितनी ली थी दोस्तों, यहाँ पर ली थी 30 कलियाँ मोटी वाली, और 1 इंच अदरक लिया था, इसके अंदर कूट लिया है, भुनी हुई कसूरी मेथी 8 से 10 पिंच, 1 बड़ा चम्मच जीरा, और ये 2 चम्मच बेसन, तीखी वाली लाल मिर्च 1/2 चम्मच,
कश्मीरी लाल मिर्च एक बड़ा चम्मच, चटकारे के लिए काला नमक एक छोटा चम्मच, और ये रहा धनिया पाउडर एक काफी बड़ा चम्मच। हल्दी डालेंगे दो बार, एक छोटा चम्मच फिर एक छोटा चम्मच, और ये वाला नमक स्वाद अनुसार। अब सबसे पहले यहाँ पर करते हैं जगह 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 जगह, और ये इसके अंदर डालते हैं। चार हरी मिर्ची ली थी ना, तो दो हरी मिर्ची यहाँ डाल देंगे बारीक कटी हुई कच्ची। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक ये वाला, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे काला नमक, थोड़ा सा ये वाला नमक और डाल देते हैं इसके अंदर। क्या बात है, ये लीजिए यहाँ पर हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कलर आ जाएगा इतनी, क्या बात है। और इसमें थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर इसमें से बारीक जो कुटा हुआ है ना, ये इतना सा ये डाल देते हैं। उसके बाद आप हरा धनिया डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालने वाला हूँ। थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे 100% जो तीखी होती है। इसके बाद में हम इसे क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब ये गीला रहेगा, तो गीला रहेगा और एक अच्छा सा बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 2 चम्मच बेसन डाल देना है, ये और स्वाद और फ्लेवर बढ़ा देगा। 2 चम्मच लीजिए, मिला लेते हैं, क्या बात है, ये शानदार, क्या बात है, ओए होए क्या शानदार पकोड़े, ओहो क्या बात है। और एक तो लास्ट में डालेंगे सामग्री जो तो स्वाद और फ्लेवर बढ़ा देगी, ये देखिए मिला लेते हैं अच्छे से, क्या बात है, ये देखिए मिला लिया, ये देखिए, ओहो क्या बात, उंगलियां चाटने वाली बनेगी आज तो। जब नहीं समझ में आए ना कोई भी सब्जी तो ये बना लो, ओए होए होए क्या मजा आ जाता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं यही आने दो बस। ये देखिए मिला लिया, लम्स भी नहीं है, डले भी नहीं है, और यहाँ पर चढ़ा दिया है हमने तेल। और अब क्या करेंगे, इसको एक बार और फेंट लेंगे, और इसमें सोडा वोडा कुछ नहीं डालना है, नहीं फूट जाएंगे ये। ये देखिए अब उठाना है ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, और डाल देना है। अब गैस हाई फ्लेम पे कर देनी है, 10 मिनट पहले हमने इसको तेल को चढ़ा दिया था। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद फिर डालें, ये लीजिए 2 बार में ये फ्राई हो जाएंगे, क्या बात है, एक नंबर। तो हाथ धो के मैं आ रहा हूं दोस्तों, हाथ मैंने धो लिए हैं, अब ये करछी चला देते हैं। ये देखिए क्या बात है, अब इनको हल्का सा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे फर्स्ट क्लास तरीके से। देखिए दोस्तों, ओए हाय हाय क्या बात है, ये देखिए 2 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम पे फ्राई किया, अब गैस को लो फ्लेम पे कर 2 मिनट और फ्राई कर लेंगे। 4 मिनट आपको 5 मिनट लगने वाले हैं बढ़िया पकोड़े बनाने के लिए। और जब ये सब्जी ग्रेवी के साथ मिलेंगे ना, और जो एक सामग्री हम डालने वाले हैं वो जब इसमें जाएगी तो ओए होए क्या मजा आएगा। और दोस्तों ये मम्मी बनाती है, मम्मी की रेसिपी है वैसे, जब कोई सब्जी मम्मी को समझ में नहीं आती ना तो ये बनाती है,
और इतनी टेस्टी लगती है कि पकौड़े मम्मी बनाती जाती है और इधर हम खा जाते हैं। तो मम्मी बोलती है अरे यार सब्जी के लिए तो रहने दो यार, कम से कम तो सब्जी के लिए कम ही बचते हैं। अभी देखना इसमें से भी गायब होने वाले हैं। ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भी 2 मिनट कर दिए। लो फ्लेम पे करने से क्या होता है दोस्तों, अंदर तक पक जाते हैं और देखिए झाग भी कम हो गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। तो ये मैंने थोड़े बड़े करे हैं, अब मैं जो फ्राई करूंगा वो करूंगा छोटे। आए आए ये लीजिए, ये वाले तो हो गए फ्राई मेनिया। अब यहां आ जाते हैं, गैस को कर देते हैं हाई फ्लेम पर। अब इसको अब छोटे बनाएंगे, ज्यादा बैटर बचा नहीं है तो छोटे बना लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा छोटे और बड़े। और अभी ये देखिए इस तरीके से छोटे, इनको भी कर लेते हैं फटाफट फ्राई और फिर बनाते हैं मजेदार मसालेदार सब्जी। देखिए फ्राई हो गए, कढ़ाई चला दी है। एक चमचा तेल डाल देते हैं, वही वाला जिसमें हमने पकोड़े फ्राई करे थे। गैस को कर देते हैं हाई फ्लेम पर। तेल काफी गर्म है ऑलरेडी, तो सीधा सिंपल डाल देंगे इसमें 2 तेजपत्ता, 2 लौंग, 4-5 काली मिर्च और हमारा जीरा। लग गया है जीरे को, देखिए तड़का, जलाना नहीं है जी। ये देखिए बस सीधा सिंपल प्याज, प्याज को 80% गोल्डन ब्राउन करना है यहाँ पे, तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा दोस्तों। आप मेरी अगर रेगुलर रेसिपी देखते हो, जो भी देखता हो, मैं ज़्यादातर प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करता हूँ, पर इसमें गोल्डन ब्राउन करना जरूरी है। कितना 80%, चलिए फटाफट कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन 80%। ये देखिए दोस्तों 80% गोल्डन ब्राउन होते ही बची हुई हरी मिर्च और वही आयरन के स्रोत में कूटा था ना आपने, ये अदरक और लहसुन बचा हुआ, ये भी। अब 1 मिनट इसको चलाते हैं बढ़िया से, तब तक हमारी जो प्याज है 100% हो जाएगी। अब गैस को कर देते हैं लो फ्लेम पर। वाह हाय क्या खुशबू आ रही है, एक नंबर वाली मजेदार। तो लहसुन का हल्का सा इसमें फ्लेवर चाहिए, तो ज्यादा लहसुन को नहीं पकाएं। ये प्याज हमारी 100% देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। सीधा सिंपल आएंगे यहां पर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, करीब 100 ml हम मिलाएंगे इसको। और डाल देंगे अब डालेंगे इसमें मसाले। सबसे पहले डालेंगे हींग, कसूरी मेथी, 8-10 पिंच हल्दी, 1 छोटा चम्मच काला नमक, स्वाद अनुसार नॉर्मल वाला नमक, 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे इसमें हम धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच तीखी वाली, नहीं 1/2 चम्मच नहीं डालेंगे, 1 छोटा चम्मच डालेंगे
क्योंकि तीखी वाली हम पकौड़ों में डाल चुके हैं, और एक काफी बड़ा चम्मच कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च लीजिए। मिलाते हैं, गैस को करते हैं हाई फ्लेम पर। ये देखिए मसालों को थोड़ा सा चलाना है। देखिए पानी जो डाला था सब गायब हो गया है, ज्यादा पानी नहीं बचा है। ये देखिए अब सीधा सिंपल डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। अब इसे भी मिला लेंगे। अब एक उबाली आने देंगे बढ़िया सी। ओए हाय हाय क्या कलर आया, लात मारने लग गई है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए जो हमने मिक्सी में जो बनाया दाल पीसी थी वो वाला पानी, और इसके अंदर जो पकोड़े का जो बैटर था उसके अंदर वो पानी डालकर इसको भी साफ कर लिया। ये कर देगा ग्रेवी को गाढ़ी। ये लीजिए और सीधा सिंपल डाल देंगे इसके अंदर एक कप पानी। और मिलाएंगे तो पकौड़ों के हिसाब से पानी एक कप मुझे कम लग रहा है, तो आधा कप पानी और डाल देते हैं। ये देखिए इतना पानी चाहिए चाहिए, वरना आप कम पानी में भी बना सकते हैं। जब इसमें वो पकौड़े जाएंगे ना तो पूरे सोख कर लेगा ये सारी ग्रेवी। लीजिए ढक देते हैं, गैस को लो फ्लेम पे कर देते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर गैस है, पूरे 3 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को हटाते हैं, गैस को हाई फ्लेम पे करते हैं, पकौड़ी डाल देते हैं। चार पांच तो दोस्तों बच्चे खा गए। क्या लीजिए मिला लेते हैं। आए हाय हाय क्या बात है, मजेदार, क्या शानदार कलर है। लीजिए अब डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया। ये लीजिए दोस्तों, आप क्या करेंगे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ढककर रख देंगे। हाई फ्लेम पर 2 मिनट हो गए हैं और इतनी उबाली मारेगा ये पूछो ही मत। गैस को करते हैं लो फ्लेम पर और अब डाल देंगे इसके अंदर क्रीम। यह है लास्ट सामग्री, तो 100 ग्राम क्रीम डाल देंगे। यह बढ़ा देंगे स्वाद एंड फ्लेवर। क्या बात है, अब मिला लेते हैं, क्रीमीनेस आ जाएगी। ये देखिए आ गई ना, क्या बात है। आए हाय हाय बस, तो ये देखिए दोस्तों, अब इसमें आप गरम मसाला ऊपर से डालना चाहें, कोई भी मसाला जो आपको पसंद है वो डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब कड़ी जैसी नहीं लग रही है क्या, कड़ी जैसी बन गई है, लेकिन जैसे आप थोड़ा ढक के रखेंगे ना तो वापस से कलर आ जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स दोस्तों ये हमारी बिल्कुल यूनिक, जब भी कोई सब्जी समझ नहीं आए पसंद नहीं आए तो ये बनाए और उंगलियां नहीं प्लेट बीट चढ़ जाएं। तो फ्रेंड्स दोस्तों आज की रेसिपी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल पर आपने काफ़ी रेसिपी उन्हें देखिए, बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि जो मजा खिलाने का है वो खाने का नहीं है। तो चलिए जो बनाइए आज
मूंग दाल पकोड़ों की सब्जी, उसे खाकर खत्म करते हैं। सिंपल, चपाती के साथ।